हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी का आपकी अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा विषय रहेगा, आज हम कवर करेंगे सांची का स्तूप। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि स्तूप क्या होता है। ये विषय आपका हिस्ट्री से रिलेटेड है और ये प्लस टू की जो आपकी बुक है चैप्टर नंबर 4 है, तो आज इसको हम डिटेल में देखेंगे सांची का स्तूप। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि स्तूप क्या होते हैं। तो आपको मैं बता दूं, स्तूप होते हैं, अगर इसकी शाब्दिक अर्थ की बात की जाए, आपको पता होना चाहिए कि स्तूप का जो शाब्दिक अर्थ है वो संस्कृत और पाली भाषा से लिया गया है। तो इसका जो स्तूप का अर्थ होता है वो होता है ढेर। तो स्तूप क्या होता है? किसी वस्तु का ऐसा ढेर जिसके ऊपर क्या किया है, किसी आकार को ढाला जाता है, उसकी संरचना बनाई जाती है। वो किसी पत्थर की बन सकती है, ईंटों की बन सकती है, मिट्टी का ढेर, इस तरह के जो अवशेष होते हैं वो क्या बनते हैं, आपके स्तूप का निर्माण करते हैं। तो यानी कि ये इसका शाब्दिक अर्थ हो गया। स्तूप क्या होता है? किसी भी वस्तु का एक ढेर होता है आपका स्तूप। इसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि स्तूप कितने प्रकार के होते हैं। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, अगर हम बात की जाए तो स्तूप आपके 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं आपने नोट डाउन करना है साथ साथ। शारीरिक स्तूप, परिभोगिक स्तूप, उसके बाद उद्देश्य का स्तूप और लास्ट में पूजार्थक स्तूप। अब मैंने ये आपको क्यों यहाँ पे चारों बताया, क्योंकि हम कर रहे हैं सांची के स्तूप की बात, और जो सांची का स्तूप है वो किससे संबंधित है, वो है आपका बौद्ध धर्म से। क्योंकि जो सांची का स्तूप है उस स्तूप में क्या किया गया है, बौद्ध धर्म के जितने भी अवशेष है बुद्ध धर्म से रिलेटेड, वो सभी अवशेष इस स्तूप में संरक्षित किए गए हैं। इसी कारण मैंने आपको स्तूप के 4 टाइप बताए। तो जो आपका चौथा टाइप बताया मैंने, पूजार्थक स्तूप, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। जो आपका पूजार्थक स्तूप है ये किस टाइप का, जो सांची स्तूप है वो किस टाइप का स्तूप है, यह है पूजार्थक स्तूप। जो इसका आकार की संरचना की बात की जाए तो यह अर्धाकार टीला है ये, ठीक है। और इसको स्तूप को क्या कहा जाता है, स्तूप को चैत्य भी कहा जाता है। तो इतना सा आपने पहले ध्यान रखना है। अच्छा, अब बात की जाए सांची के स्तूप की। सांची का स्तूप ये है का, तो मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ पढ़ने से पहले। रीडिंग हम इसमें कम ही करेंगे, आपको बस क्या करना है, समझना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है, आपका ये टॉपिक हमेशा के लिए क्लियर होने वाला है। तो जो सांची का स्तूप ये कहाँ है, अगर बात की जाए तो ये है आपका भोपाल में, या आप यहाँ देख सकते हैं सांची का स्तूप है आपका भोपाल में। अगर बात की जाए भोपाल किसकी राजधानी है, तो भोपाल है आपकी मध्य प्रदेश की। तो आपने ये छोटे छोटे जो पॉइंट है ये आपने ध्यान रखने, भोपाल राजधानी है मध्य प्रदेश की, एक बात क्लियर होगी। अब अगर ये भोपाल में, भोपाल में ये किस जिले में, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये है आपका रायसेन में। तो भोपाल के किस जिले में है, ये रायसेन जिले में है, तो ये आपने ध्यान रखना है। अब अगर बात की जाए मध्य प्रदेश में आता है भोपाल, भोपाल के रायसेन जिले में आपका सांची स्तूप। अब सांची में टोटल कितने स्तूप है, सांची में टोटल 3 स्तूप है, और जो सबसे बड़ा स्तूप है उसको कहा जाता है महास्तूप, उसको महास्तूप का नाम दिया गया है। और इसी महास्तूप के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इस महास्तूप का जो निर्माण है वो किसने करवाया था, वो करवाया था मौर्य शासक अशोक ने। तो अशोक के शासनकाल में हुआ था। अशोक किसका जो है, किस काल से था, तो ये था मौर्य से। सबसे पहले कौन आए थे, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। तो थोड़ा सा सबसे पहले कौन सा आया था, हर्यक वंश आया था, उसके बाद शिशुनाग वंश, उसके बाद नंद वंश, उसके बाद नंद वंश के शासक को मारने के बाद फिर आया था आपका मौर्य। मौर्य में कौन आया था सबसे पहले, चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद कौन आया था, बिंदुसार, और उसके बाद कौन आया था आपका, अशोक। तो आपने इसको कैसे याद रखना है मौर्य काल को, चंद्र बिंदु है अशोक, यानी चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक। तो अशोक के शासनकाल में बनाया गया था सांची का स्तूप। अब इसने जो स्तूप बनाया था वो कहाँ बनाया था, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। तो ये आपने इतना से ध्यान रखना। आपको सबसे पहले मैं स्तूप का एक जो है इमेज दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं, ये है आपका जो है सांची का स्तूप। तो ये आप देख सकते हैं इसका जो आकार है किस तरह का है, ये मैंने दिखा दिया आपको, पहले मैंने बता भी दिया है, अर्धाकार टीला है ये। तो ये है मध्य प्रदेश के रायसेन में। अब मैंने ये आपको इमेज क्यों दिखाई, क्योंकि आप इमेज के माध्यम से आप इसको ज़्यादा लॉन्ग टर्म मेमोरी इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। अब मैंने इसको बताने के पीछे एक और लॉजिक है, जो आपका सांची का स्तूप है, अगर आपने ध्यान से देखा हो, जो आपका 200 का नया नोट है, तो ये मैं आपको कॉन्सेप्ट दिखा देता हूँ, आपको मैं 200 का नया नोट ही दिखा देता हूँ। उसके जो बैक साइड है, बैक साइड में आपका जो बना है वो है सांची का स्तूप। आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर 200 का नया नोट है, इसके जो बैक साइड में ये बना है सांची का स्तूप। तो
ये इमेज दिखाने का पर्पज मेरा ये था, इसको आप रिलेट कीजिए, इससे क्या होगा कि आपका जो है इंटरेस्ट बना रहेगा, आपको हिस्ट्री बोरिंग नहीं लगेगी। तो अब बात की जाए, थोड़ी सी हम करंट की ओर भी चल पड़ते हैं क्योंकि आने वाला भविष्य है आप लोग, तो आपको पता होना चाहिए 200 का नया नोट है। कब किया गया था ये भारत सरकार द्वारा इंट्रोड्यूस? तो ये किया गया था 2018 में। अब 2018 में किया गया था, क्या आपको पता है इसके पीछे क्या लॉजिक था 2018 में क्यों किया गया था? क्योंकि जो सांची का स्तूप है आपका, इसकी खोज कब की गई थी ये आपको मैं पीछे डिटेल में तो कराऊंगा, लेकिन आप थोड़ा सा याद रख लीजिए, आपको याद रखने में ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो जो सांची का स्तूप है इसकी खोज की गई थी आपकी 1818 में। अब जब इसकी खोज 1818 में की गई और जब 2018 में, इसको टोटल कितने साल हुए? तो इसको 200 वर्ष पूरे हो गए थे। तो 2018 में 200 वर्ष पूरे होने की इस संरक्षण के लिए क्या किया गया था? भारत सरकार द्वारा 200 का नए नोट के पीछे जो है आपका सांची के स्तूप की फ़ोटो लगा दी गई थी। तो इस पर्पज के आधार पर इसको इस पर लगाया गया है। आई होप आपको ये इंटरेस्टिंग लगा होगा। चलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। तो इस स्तूप को किसने निर्माण करवाया था? ये करवाया था मौर्य शासक अशोक ने। तो ये कहाँ करवाया था ये आपको मैंने बता दिया, मध्य प्रदेश के भोपाल के रायसेन जिले में। तो आपने इतना ध्यान रखना है। अच्छा, कब करवाया गया था? तो ये भी आपने डेट याद रखनी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपके पास अगर बुक होगी आप बुक देख सकते हैं, ये प्लस टू की हिस्ट्री की बुक है और चैप्टर नंबर 4 है आपका। तो ये देख सकते हैं आप, जो इस सांची के स्तूप का निर्माण करवाया गया था, ये करवाया गया था मौर्य काल में, अशोक ने 3rd सदी ईस्वी में करवाया। तो ये आपने ध्यान रखना है, क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया है। अशोक ने करवाया, कब करवाया? 3rd सदी ईस्वी पूर्व करवाया। तो और जो मौर्य काल का कौन सा शासक था? ये था अशोक। तो इतना आपको क्लियर हो गया। इसके अलावा हम थोड़ा सा इसको डिटेल में देख लेते हैं। इसके बाद क्या है कि इसमें क्या है, इस स्तूप में महात्मा बुद्ध के अवशेषों को रखा गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं स्क्रीन में, अशोक के शासनकाल में सांची के स्तूप को केवल ईंटों से बनाया गया था। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद आता है शुंग काल। तो आपको मैंने स्टार्टिंग में बता दिया, पहले हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, उसके बाद नंद वंश, फिर आता है आपके मौर्य वंश, उसके बाद आता है आपका कौन सा आता है? शुंग काल। ठीक है, तो आपने कैसे याद रखना है, मैंने कहीं किताब में पढ़ा था, अगर आप लिखना चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं। आप एक ट्रिक लिख सकते हैं, अगर आप हिमाचल से तो आपको पता होगा, तो एक जगह है नाहन सिरमौर में। तो ये ट्रिक थी कि हम शाम नाहन में शोर करके सो गए। तो हर्यक वंश, हम, शाम जो आपका शिशुनाग वंश, और नाहन में नंद वंश, शोर करके सो गए शिशुनाग वंश और मौर्य वंश। इस तरह से जो ये ट्रिक है, मैं आपको लास्ट में अभी इसको मैं बता दूंगा। ठीक है, तो मैं इसको लास्ट में एक्सप्लेन करके, अगर आप चाहे तो इसको देख सकते हैं, उससे क्या है कि आपको क्रम याद करने में आसानी रहेगी। तो उसके बाद क्या है कि शुंग काल ने सांची का कायापलट कर दिया और इस काल के जो राजा अशोक द्वारा बनाए गए स्तूप का आकार उन्होंने दुगना कर दिया, और ये आकार गोलार्ध का था और इसे अंड कहा जाता है। तो ये आपने याद रखना है, इसे क्या कहा जाता है? इसे अंड कहा जाता है। इसे पत्थर का आवरण दिया गया और स्तूपों के चारों ओर वेदिका एवं सीढ़ियाँ बनी होती थी। अंड के ऊपर एक हर्मिका बनाई गई, तो ये भी आपने ध्यान रखना है। उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद सातवाहन ने क्या किया? सातवाहन काल में 1st सदी ईस्वी में सांची के स्तूप के चारों ओर चार प्रवेश द्वार बनाए गए, और इन प्रवेश द्वारों को क्या कहा जाता है? इन प्रवेश द्वारों को कहा जाता है तोरण। अब यहाँ पे एक और मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूँ कि जो ये तोरण है, ये कहा जाता था प्रवेश द्वारों को। आप यहाँ देख सकते हैं, तोरण किसे कहा जाता है? प्रवेश द्वारों को। अब इन जो चार प्रवेश द्वारों का, इनके अपने संकेत थे, चार द्वार थे ये, तो इनके जो है प्रतीक चिन्ह थे वो क्या थे? चार, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, प्रेम, शांति, विश्वास, मैं लिखूंगा नहीं, आप इसको खुद से लिखिए, मैं बोलता हूँ, शांति, विश्वास और साहस। प्रेम, शांति, विश्वास और साहस, ये चार प्रतीक थे तोरण के। तोरण के यानी चार दिशाओं में जो द्वार बने थे। लेकिन जब 1818 में सांची के स्तूप का पता लगा, तो पता किसने लगाया था? जॉर्नल टायलर ने। ये आगे इसमें होगा, आई थिंक, नहीं होगा तो आप देख सकते हैं। जॉर्नल टायलर जब इसका पता लगाया, तो उस समय सिर्फ 3 द्वार थे, एक द्वार क्या है वो नष्ट हो गया था। तो आई होप आपको ये एक्स्ट्रा जानकारी हेल्पफुल रहने वाली है। उसके बाद आगे देख लेते हैं, उसके बाद तोरण बनाए गए। तोरण मैंने आपको बता दिया, ये प्रवेश द्वार होते थे, और सातवाहन काल में बने तोरण शिल्पकारी के अद्भुत नमूने। ये तोरण लगभग कितने होते थे? 34 फीट ऊंचे होते थे, और इनके नीचे जो खम्भ बनाए जाते थे वे 14 फुट ऊंचे थे। इन खम्भों के मध्य अंतर लगभग 9 फुट थे। तो आपने याद रखना है,
इन तोरणों पर महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित अनेक सुंदर एवं सजीव चित्र बनाए गए थे। सभी दृश्यों में महात्मा बुद्ध को कहीं भी मानुषिक रूप में नहीं दर्शाया गया। तो ये आपने तथ्य याद रखना है कि महात्मा बुद्ध को कहीं भी मानुषिक रूप में नहीं दर्शाया गया है। उसके बाद क्या है, उसकी उपस्थिति प्रतीकों के रूप में जैसे धर्मचक्र, पदचिन्ह, कमल, बोधि, वृक्ष आदि द्वारा दिखाया गया है। इसके अलावा आपको मैं एक और तथ्य बता दूं, हम बात करें महात्मा बुद्ध के बारे में, वैसे तो हम आगे जब जैन धर्म और बौद्ध धर्म पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा आपको बता दूं, आपको याद रह जाएगा नेक्स्ट टाइम के लिए भी। जो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे वो थे आपके महात्मा बुद्ध, और उन्हीं के अवशेषों को रखा गया है सांची के स्तूप में। अब इनके थोड़े से जन्म के ऊपर बात कर लेते, जन्म कब हुआ था महात्मा बुद्ध का, ये हुआ था 567 ईस्वी पूर्व। तो ये भी आपने ध्यान रखना है, जन्म हुआ था 567 ईस्वी पूर्व। उसके अलावा क्या पता उनका जो अगर स्थान की बात की जाए तो कपिल वस्तु के निकट एक लुम्बिनी नामक एक स्थान था, वहाँ हुआ था। और कब हुआ था, ये हुआ था वैशाख पूर्णिमा के दिन। अब मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ, जब इनका जन्म वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ, और इनकी मृत्यु भी कब हुई थी, तो इनकी मृत्यु हुई थी वैशाख पूर्णिमा के दिन। और कहाँ हुई थी मृत्यु, मृत्यु हुई थी कुशीनगर में, और जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी, लुम्बिनी कहाँ, कपिल वस्तु के निकट। और इन्होंने जो पहला उपदेश दिया था, अगर भाषा की बात की जाए तो ये दिया था पाली भाषा में, और अगर बात की जाए स्थान की तो स्थान ये आपका सारनाथ। तो आपने याद रखना है सारनाथ नामक स्थान पर इन्होंने भाषण दिया था, कितने लोगों को दिया था, 5 को दिया था। और जो इनके जो सर्वप्रिय शिष्य थे वो कौन थे, वो थे आनंद। आई होप इतना आपके लिए काफ़ी होगा, बाकी जब हम जैन और बौद्ध धर्म पढ़ेंगे उसके बाद इसमें डिटेल में उसके बारे में देखेंगे। तो आगे देख लेते हैं, आगे आप इसको खुद देख लेना, इसमें बताने के लिए कुछ नहीं है, थोड़ी आप खुद रीडिंग कर लेना। उसके बाद आपकी जो है डेफिनेशन दी है, आप इसको खुद से देख लेना। यहाँ से आगे देखते हैं आपके, 19वीं सदी में क्या होता है, यूरोपियों में सांची को स्तूप को लेकर काफ़ी दिलचस्पी उत्पन्न हुई, क्योंकि 19वीं सदी में ये क्या है एक पर्यटक स्थल बन गया था। और 1850 में एक प्रसिद्ध अंग्रेज विद्वान मेजर अलेक्जेंडर कनिंगम ने सांची के अवशेषों का निरीक्षण किया और उसने वहाँ के अभिलेखों का अध्ययन किया। तो आपने ये ध्यान रखना है कि किसने किया था अध्ययन, एक अंग्रेज था और उसका नाम था मेजर अलेक्जेंडर कनिंगम। तो उसने अपनी खोज के निष्कर्षों से संबंधित 1854 में एक भिल्सा नामक पुस्तक लिखी। तो पुस्तक का नाम आपने याद रखना है, क्या नाम था, भिल्सा टॉप्स नामक पुस्तक लिखी। किसने लिखी, मेजर अलेक्जेंडर कनिंगम ने, कब लिखी, 1854 में। तो ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद यह सांची पर लिखी गई सबसे आरंभिक पुस्तकों में से एक है, और फ्रांसीसी सांची स्तूप की सुंदरता से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने सांची के पूर्वी तोरण द्वार आपको मैंने बता दिया प्रवेश द्वार है, तो उन्होंने क्या किया कि फ्रांस के संग्रहालय में इसे प्रदर्शित करने के लिए शाहजहाँ बेगम से अनुमति मांगी। तो आपने ये भी ध्यान रखना है, शाहजहाँ बेगम से अनुमति मांगी, क्यों अनुमति मांगी, क्योंकि जो शाहजहाँ बेगम थी वो वहाँ उस समय भोपाल की नवाब थी। भोपाल आपका मैंने बता दिया मध्य प्रदेश में, ये छोटे छोटे तथ्य आपको क्लियर होने चाहिए। उसके बाद क्या होता है कि उसने 1868 से 1901 तक शासन किया, और जो आपकी शाहजहाँ बेगम है इन्होंने एक अपनी है आत्मकथा भी लिखी थी। उस आत्मकथा का नाम मैं आपको बता, उस आत्मकथा का जो नाम था वो था ताल उल इकबाल तारिक भोपाल। तो आपने ध्यान रखना है क्या नाम था, ताल उल यहाँ लिखा है, थोड़ा सा ये मिसप्रिंट हो गया लेकिन आप सुन सकते हैं। तो क्या नाम था, ताज उल इकबाल तारिक भोपाल। तो ये इनकी आत्मकथा का नाम था, बाद में इसको जो है अनुवाद भी किया गया था, अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था इसका, किया गया था, ये किया गया था 1876 में। तो किसने किया था, H.D. वारसेटो ने किया था। तो ये अभी आपने ध्यान रखना है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है कि शीघ्र ही अंग्रेजों ने सांची के स्तूप के अवशेषों को शाहजहाँ बेगम से लंदन ले जाने की अनुमति मांगी, और शाहजहाँ बेगम ने सांची की बहुमूल्य धरोहर को खोना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने क्या कर दिया, उसने उनको संतुष्ट करने के लिए प्लास्टर कास्ट कॉपीज देकर उन्हें संतुष्ट कर दिया, जिसके कारण कि क्या है, मूल कृति है वो कहाँ है, उसी अपने स्थान पर रह गई। उसके बाद क्या होता है कि भोपाल की जो बेगम है शाहजहाँ बेगम, आपको मैंने बताया ये भोपाल की जो बेगम थी शाहजहाँ बेगम, इसकी एक उत्तराधिकारी थी वो थी सुल्तान जहाँ बेगम। इसका महत्वपूर्ण रोल है सांची के स्तूप में, क्यों है, क्योंकि इसने क्या है सांची के स्तूप के संरक्षण में अपना उल्लेखनीय योगदान दिया था। और उसके बाद क्या होता है कि उन्होंने सांची स्तूप की देखभाल के लिए क्या है जितने भी आवश्यक धन की जरूरत पड़ी वो सभी किसने एकत्र किया था, वो किया था आपका
सुल्तान जहां बेगम, जो कि किसकी उत्तराधिकारी थी, ये थी आपकी बेगम शाहजहां की। तो ये आपने ध्यान रखना है, तो इसका भी बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा था इसमें। उसके बाद क्या होता है कि जो एक अंग्रेज आते हैं जिनका नाम था जॉन मार्शल, जॉन मार्शल थे, उन्होंने यहाँ पर लगभग 3 वर्षों तक अनुसंधान किया, रिसर्च की, और उस रिसर्च का जितना खर्चा था वो किसने दिया था, वो दिया था सुल्तान जहाँ बेगम ने, आसपास के लोगों से इकट्ठे या रियासत से इकट्ठे कर इसको दिया था, जितना भी रिसर्च का खर्चा आया था वो उठाया था सुल्तान जहाँ बेगम ने। इसी कारण जो इसका जो योगदान है वो बहुमूल्य है। और जब जॉन मार्शल ने इस सांची के स्तूप पर अपने एक ग्रंथ लिखे थे, 2 ग्रंथ लिखे थे, उन ग्रंथों के नाम क्या है वो भी आप इसमें देख सकते हैं। एक उन्होंने जो ग्रंथ का प्रकाशन किया था वो किया था 1914 में, नाम था द मोन्यूमेंट ऑफ सांची। ये कब किया था प्रकाशन, 1914 में। उसके बाद जो उन्होंने दूसरी लिखी थी वो लिखी थी उन्होंने कंजर्वेशन मैनुअल, ये कब लिखी थी, 1923 में। तो इसको जो प्रकाशित किया था, इनको जो किसके समर्पित किया था, तो ये जो है सुल्तान बेगम को समर्पित किए गए थे दोनों ग्रंथ, ये भी आपने ध्यान रखना है। सांची के स्तूप सुरक्षित रहने के अनेक कारण थे, ये आप खुद देख सकते हैं, ये हमने डिस्कस कर लिए हैं, आप सभी देख सकते हैं। अगर आप स्कूल में पढ़ते हो, प्लस टू में पढ़ते हो, तो आप इसको खुद से रीड कीजिएगा। इसके अलावा मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूँ कि सांची के स्तूप की क्या क्या विशेषताएँ थी, उससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं, तो आप देख सकते हैं यह बुद्ध की शिक्षाओं से जुड़ी ऐतिहासिक सामग्री है। तो यहाँ क्या है, बुद्ध की शिक्षाओं से जुड़ी ऐतिहासिक सामग्री है, जिसे बौद्ध धर्म में बड़े आदर के साथ पढ़ा जाता है। इसके अलावा है सांची अशोक के पुत्र महेंद्र का नैनीताल था। आपको पता होगा जो अशोक है, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और अपनी पुत्री संगमित्रा को श्रीलंका भेजा था। तो जब श्रीलंका वो गए थे, श्रीलंका जाने से पहले महेंद्र ने 1 महीने यहीं पर अपना समय बताया था। अगर बात की जाए श्रीलंका भेजा था महेंद्र और संगमित्रा को, हिमाचल को किस, हिमाचल के लिए कौन भेजा था अशोक ने, तो हिमाचल को भेजा था मज्झिम। तो आपने याद रखना है, मज्झिम को भेजा गया था हिमाचल में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए अशोक द्वारा। और इसके अलावा क्या है इसमें कि इसका निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था, ये तो आपको सभी को पता लग गया। यहाँ अधिकतर मठ और स्तूप अशोक की धर्म पत्नी या देवी द्वारा बनाए गए हैं, तो ये भी आपको क्लियर हो गया। बौद्ध धर्म की ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए सम्राट अशोक का विशेष योगदान है, ये तो आप सभी को पता है। और अशोक के कई स्तूप और स्मारक का निर्माण इसने करवाया, तो अशोक ने यहाँ पे कई स्तूप और स्मारक का निर्माण कराया, वो मैंने आपको बता दिया। यहाँ मुख्यतः 3 स्तूप है, ठीक है, जो सबसे बड़ा है वो इसकी हमने आज डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आगे की जो वीडियो अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।